हेलो दोस्तों दोस्तों लेफ्ट हैंडेड पीपल ज्यादातर काम अपने बाएं हाथ से ही करते हैं। दुनिया में लगभग 10% लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन जब कोई भी गैजेट या कोई उपकरण बनाया जाता है तो वो राइट हैंडेड लोगों को सोच कर ही बनाया जाता है, जिससे वो गैजेट राइट हैंडेड लोगों के हाथ में अच्छे से फिट हो जाते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडेड लोगों को उन उपकरणों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेफ्ट हैंडी लोगों के बारे में बहुत से मिथ्स और थ्योरी है, जिनमें से कुछ अच्छी तो कुछ बुरी भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको लेफ्ट हैंडी लोगों से जुड़े कुछ तथ्य यानी फैक्ट्स बताऊंगा, जिनके बारे में आप जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। फैक्ट नंबर वन, पॉपुलेशन। औसतन दुनिया के 10% लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, जिनमें से 89% लोग राइट हैंडेड और 1% लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में लेफ्ट हैंडेड लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर राइट हैंडेड लोगों को ही स्वीकार किया जाता है। कुछ बच्चों को अपने राइट हैंड को ज्यादा यूज करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। फैक्ट नंबर टू, बाएं हाथ के लोगों को एलर्जी होने की अधिक संभावनाएं होती है। एक रिसर्च बुक जिसका नाम सेरिब्रल डोमिनेंस द बायोलॉजिकल फाउंडेशन है, उसमें पाई गई एक स्टडी में पाया गया कि बाएं हाथ के लोग दाएं हाथ के लोगों की तुलना में अधिक एलर्जी के शिकार होते हैं, जिसमें एलर्जी होने की संभावना 11 गुना तक ज्यादा थी। और उस रिसर्च में ये भी पाया गया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा ही सफर करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, लेफ्ट हैंडेड पीपल राइटीज से कम जीते हैं। 1980 की एक स्टडी में ये पाया गया कि राइटीज की एवरेज एज 75 साल है, तो वहीं लेफ्टीज की एवरेज एज 66 ईयर है। तो इस स्टैटिक्स के मुताबिक लेफ्टीज राइटीज से 9 साल कम जीते हैं। फैक्ट नंबर फोर, मोर लाइकली टू बी एल्कोहलिक। 1973 की एक मनोवैज्ञानिक के एक पेपर में पाया गया कि अल्कोहलिक वार्ड में ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंडेड ही होते हैं। माना जाता है कि लेफ्टीज को शराब कम चढ़ती है, जिसके कारण वे ज्यादा शराब भी पीते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, अमेरिका के लास्ट 8 प्रेसिडेंट में से 5 प्रेसिडेंट लेफ्टीज ही हैं, जिनमें बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज एसडब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रीगन और गेराल्ड फोर्ड शामिल हैं। इनमें से रोनाल्ड रीगन लेफ्ट हैंडेड थे, लेकिन उनको राइट से लिखने पे मजबूर किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश रॉयल फैमिली में भी लेफ्टीज ही हैं, जिनमें क्वीन मदर, क्वीन एलिजाबेथ टू, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम शामिल हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, टाइपिंग एडवांटेजेस। क्वालिटी कीबोर्ड में 3000 से ज्यादा इंग्लिश वर्ड लेफ्ट हैंड से टाइप किए जाते हैं, जबकि 300 के लगभग वर्ड राइट हैंड से टाइप किए जाते हैं। सो लेफ्टीज को क्वालिटी कीबोर्ड में टाइपिंग में एडवांटेज मिल जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे। हर साल 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडेड डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि वे अपनी प्रॉब्लम से अवेयर हो सके और इस एक दिन को उन्हें अपने यूनिक होने का गर्व हो सके, क्योंकि इस दुनिया में राइट हैंडेड पीपल बहुत ज्यादा है, जबकि लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत कम। फैक्ट नंबर एट, राइटिंग कैन बी स्ट्रगल। क्या आपने कभी लेफ्टीज को लिखते हुए देखा है? वे अक्सर अपने लेखन को बार बार नोटिस करते हैं, क्योंकि वे लिखती बार अपने हाथ लेफ्ट से राइट की ओर घुमाते हैं, और इससे बचने के लिए उनको अपना हाथ घुमाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस से इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन अब आगे कंप्यूटर्स पे उनको टाइप करने में मदद मिल जाती है, जिससे वे लिखने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर नाइन,
एडवांटेज इन सर्टेन स्पोर्ट्स। लेफ्टीज लोग अच्छे टेनिस प्लेयर, स्विमर, बॉक्सर और अच्छे बेसबॉल प्लेयर होते हैं। आज के समय में भी 40% टॉप के टेनिस प्लेयर लेफ्टीज ही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइटीज प्लेयर को राइटी के अपोजिट में ही खेलना पड़ता है, लेकिन लेफ्टी को राइटी के सामने खेलने में एडवांटेज मिल जाता है, जिससे उन्हें जीतने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 10, लेफ्ट हैंड प्लेस। अगर आप लेफ्टी हैं और आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप वेस्ट वर्जीनिया में स्थित लेफ्ट हैंड नामक जगह पर जा सकते हैं। इस शहर का नाम लेफ्ट हैंड इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक नाले का नाम लेफ्ट हैंड रन था, जिसकी वजह से लोग उसे लेफ्ट हैंड बोलने लगे। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें लेफ्ट हैंडी लोगों के बारे में जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।